नमस्कार दोस्तों, आज बनाने जा रहे हैं हम देसी मुर्गी का अचार। बने रही है पूरी वीडियो के साथ, पूरी वीडियो को देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना तो आपके ऊपर है। अब हो रही है मुर्गे की कटिंग। मुर्गा बहुत बड़ा था, मुर्गा कम से कम 5 kg का था, घर में पाल रखा था देसी। अभी हो रही है इसकी काटपीट। काटपीट होने के बाद हम इसको पानी में बॉईल करेंगे। मुर्गे की कटिंग होगी खत्म, अभी मुर्गे को करेंगे हम पानी में बॉईल। अभी ये गलता नहीं है ना आसानी से, इसलिए को पानी में बॉईल करना पड़ता है पहले। और मेरे साथ सहयोगी है मेरी वाइफ। और दोस्तों, पानी हमने बॉईल कर लिए, इसको अलग रख लिया। अभी हम मसाले जो है कूट रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका होती है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हम खुद डंडे गोंडे में कूट रहे हैं। और ज़्यादा नहीं, मेथरे जीरा और सूखी मिर्च को हमने भून के कूट लिया अच्छे से। इसका भी हम घर में ही तैयार करेंगे। दोस्तों, मसाला रेडी हो गया, अभी चलते हैं मुर्गा फ्राई करने की ओर। अभी मुर्गा हमने सरसों के तेल में डाल दिया, शुद्ध सरसों का तेल, उसी में ही करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, मतलब बढ़िया फ्लेवर आता है, रिफाइंड में इतना अच्छा नहीं रहता है। तो आपको जहाँ तक हो सके तो सरसों के तेल में इसको फ्राई करना है अच्छे से। दोस्तों, मीट फ्राई हो गया, हम अच्छे से अभी निकाल के साइड में रख लेंगे। लो दोस्तों, अभी हमने हल्के से तेल में अदरक पेस्ट के लहसुन को हम भून लेंगे अच्छे से। तेल की कमी नहीं होनी चाहिए, तेल थोड़ा सा इसमें क्योंकि ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि ये अचार है, तो इसलिए हम तेल थोड़ा सा इसमें डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से भूनते हैं। अब इसमें हम नमक, हल्दी, हल्का फुल्का जो भी मसाला है डाल देंगे। में हमको विनेगर भी डालना पड़ता है। दोस्तों, हमने देखिए जो है मसाले जो कूटे थे सब हमने भून लिए हैं अच्छे से, हल्दी डाल दिया है, सब डाल लिया है। अभी हम इसको बढ़िया से एकदम भूनेंगे अच्छे से, कि इसकी जो है कच्चापन ना रहे। और भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हम अपने चिकन को, और थोड़ा सा डालेंगे विनेगर। विनेगर से क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा जो खटास आती है, जिससे पिकल ख़राब नहीं होता। आप 1 महीना भी इसको आप फ्रिज में होल्ड करके रख सकते हो बढ़िया से। लो देखिए, मसाला हो गया हमारा तैयार चिकन का, चिकन पिकल का। अभी इसमें हम डालने वाले हैं चिकन। ये स्पेशल मैं अपने लिए बनाता हूँ, जब भी मैं कभी छोटी छट्टी में आता हूँ तो सबसे पहले मेरा टारगेट रहता है कि मैं अचार बना के रखूँ, जिससे कि मेरा ये स्नैक्स के तौर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कोई दोस्त वगैरह आ रहा है तो झटपट से गर्म करो और अपने स्नैक्स में ले सकते हो बढ़िया से। देखिए, हमारी जो है पिकल बन के तैयार है। अभी आप इसको ठंडा करेंगे रात भर, और अगले दिन इसको एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लेंगे। हो सके तो कांच का कंटेनर हो तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब आपकी इच्छा है, करना है नहीं करना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।